गरीब एक मजदूर आखिर कैसे लाखों रुपए कमा सकता है? जी हाँ, लाखों रुपए कमा सकता है। आखिर कैसे? एक नॉर्मल सा, साधारण सा लोग, एक आम इंसान, जो कम पढ़ा लिखा हो, जिसको बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, एक साधारण सा इंसान है, मजदूरी करता है, दिन रात खटता है, दिन रात लगा देता है, अपने जीवन को आधा से ज्यादा व्यतीत कर देता है, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाता कि वो एक नॉर्मल जीवन जी सके सही रूप से। उसकी जीवन हमेशा कष्ट और तकलीफों से ही गुजरती है। तो आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि एक नॉर्मल इंसान, एक गरीब, एक मजदूर आम इंसान लाखों रुपए महीने का कमाए, हर दिन का 5,000, हर दिन का 500, हर दिन का 1,000 और 2,000 रुपए कमाए। ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे एक आम इंसान खास बन सकता है और वो करोड़पति लखपति आराम से बन सकता है? अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब ही रह जा रहे हैं। एक गांव देहात का, जो कह सकता हूँ हमारे आदिवासी संथाली समाज के जो लोग हैं, अभी भी कुछ है जो डेवलप कर रहे हैं, कुछ में ज्ञान है, कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर अभी भी है, बहुत सारे ऐसे घर हमारे गांव में भी है जो अभी भी बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल कम से कम पैसा अर्जित करते हैं, कम से कम पैसा कमाते हैं, एक साधारण जीवन जीते हैं। पैसा तो दूर की बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाने को दाना नहीं होता है, रोटी चावल नहीं होती है, सरकार ने चावल दे रखा है तो चावल मिल जाता है, तो तेल नहीं होता है, मसाला नहीं होता। तो आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि एक आम इंसान, एक गरीब भी लाखों रुपए कमा सकते हैं? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी ये चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसा करें जिससे आप भी अपने घर परिवार का भरण पोषण भाई तरीके से कर सके और लाखों रुपए कमाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम की जो आज हमारे समाज में है, वो है गरीबी। जी हाँ, दो ही प्रकार के लोग काम करते हैं, या तो मजदूरी करते हैं, एक गांव देहात के लोग या तो मजदूरी करते हैं, ईटा भट्टा होता है जिसमें ईटा पारते हैं, या सब्जी है तो सब्जी उगाते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल साधारण, करते 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 दिन चला जाता है, मगर वो लाखों रुपए नहीं कमा पाते। कमाना तो दूर की बात है, वो उसका सपना भी नहीं देखते, बस दूसरे को देख करके ही खुश हो जाते हैं, इतना ही जीवन है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा भाइयों कि ऐसा क्या किया जाए कि एक गरीब इंसान अमीर बन सकता है, एक गरीब कमजोर इंसान मजबूत बन सकता है, एक ताकत बन सकता है, पूरे गांव का ढाल बन सकता है, ऐसा क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूंगा, वो एक सीक्रेट बात बताऊंगा जिससे आप भी अमीर बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बात को पूरा समझिए, तभी ये सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि आप कैसे लखपति बन सकते हैं, आप कैसे लाखों रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि जो लखपति है, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई भी है, क्या सच में मैं लाख रुपए कमा रहा हूं? क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। मैं उतना ही कमा रहा हूं जितना मुझे जरूरत है। तो उसी तरह सबकी अपनी जरूरत होती है, अगर आप अपने जरूरत को पूरा कर लेते हैं तो आप सही कमा रहे हैं, लेकिन आपकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है जितनी जरूरत है। एक होता है लालच, एक होता है जरूरत। जरूरत पूरा हो जा रहा तो आप परफेक्ट है, लेकिन आपकी जरूरत नहीं हो पा रही है पूरी, डेली का जो जरूरत है वो पूरा नहीं हो पा रहा, देन आपको कुछ करना होगा ताकि आपके जरूरत पूरा हो सके और आपके पास उतना धन तो हो जितना कि आप अपनी जरूरत पूरा कर सके, या हो सके किसी और का पूरा करने का हैसियत रखें। अगर कोई आपके दरवाजे पे आता है तो आपके दरवाजे से खाली ना जाए। ऐसा क्या कर सकते हैं आप? देखिए, लखपति लोग आज के डेट में कौन है? सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन है जिसके पास लाखों रुपए है, कौन है? दो तरह के लोग, एक जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, आपके घर परिवार में भी ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई सरकारी नौकरी कर रहा होगा, दूसरा जो व्यापारी है, बिजनेस कर रहे हैं बड़े लेवल पे, तो वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, एक दिन का, 10 दिन का और महीने का, करोड़पति भी है। जी हाँ, तो ये दो तरह का लोग आप कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे सवाल आता है। आप सरकारी नौकरी कैसे लेंगे? आप बोलेंगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मुझे सरकारी नौकरी कैसे लगेगी? जाहिर सी बात है, एक कम पढ़े लिखे इंसान को सरकारी नौकरी कैसे लगेगा? बाय लक ही है कि लग सकता है? नॉर्मल साधारण परिवार का लोग सरकारी नौकरी का सपना कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता, छोड़ देते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है? बिजनेस, व्यापार। तो आप कैसे व्यापार करेंगे? आप बोलेंगे इसमें मुझे करोड़ों का पूंजी लगेगा, लाखों रुपए का पूंजी लगाना पड़ेगा तभी मैं व्यापार कर सकूंगा। आप यही बोलोगे, आप यहाँ पे भी हार मान के साइड हट जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
व्यापार ही एक ऐसा माध्यम है जो एक गरीब को अमीर बना सकता है, एक गरीब किसान को या किसी भी जनजाति को वो अमीर बना सकता है, लेकिन सही तरीके से अगर व्यापार को किया जाए तभी। आपको देखना होगा, आपको देखना होगा कि आप ऐसा कौन सा काम है जो सरल तरीके से कर सकते हैं या दूसरे से बेहतर कर सकते हैं बिना किसी पूंजी का। लोग एक गलत फहमी पाल लेते हैं कि व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। नहीं, व्यापार का शाब्दिक अर्थ होता है दो चीज को आपस में कनेक्ट करना। जब दो चीजों को आप जोड़ना सीख जाते हैं वो व्यापार है। दो चीज कौन? एक विक्रेता और क्रेता। जी हाँ, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। जब इस दो चीज को आप जोड़ देंगे ना, आप व्यापारी है। जब एक बेचने वाले को एक खरीदने वाले के साथ आप जोड़ देते हैं तो व्यापारी है। इसके लिए आपको कुछ बिजनेस या पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको सोचना होगा आपके आसपास में ऐसा कौन सा चीज है जहां पे बेचने वाला है और खरीदने वाला है, आप इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो फासला होगा जोड़ने का, इसी से आपको फायदा होगी, इसी से आपको लाभ होगी और आप बिजनेस में आ जाएंगे, आप बिजनेसमैन बनेंगे धीरे धीरे बिना किसी पूंजी का। जी हाँ, सोचना होगा, अरे सर आप क्या बोल रहे हो, दो को जोड़ना और पैसा कमाएंगे कैसे, क्या जोड़ना है, मैं क्या जोड़ने की बात कर रहा हूँ। आपको इसको थोड़ा बारीकी से समझना होगा इस पॉइंट को, इसलिए मैं बोला वीडियो को अंत तक देखिए बिना कुछ पाउज किए, बिना कुछ वीडियो को छोड़े। अगर आप पूरा देखते तभी समझ में आएगा आपको, पूरा समझिए। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक विक्रेता है, एक ईटा बेचने वाला विक्रेता है, ईटा भट्टा का मालिक है, ठीक है। दूसरा एक ऐसा आदमी है जिसको घर बनाना है, ठीक है। अब उसको ईटा की जरूरत है तो वो भट्टे की तलाश करेगा, ऐसा भट्टा जहां पे उसको सही रेट में ईटा मिल जाए, ठीक है। तो आप वो बंदा बन सकते हो जो उस ईटा जिसको जरूरत है और जो भट्टा है, इन दोनों के बीच में अगर आप कनेक्शन बना देते हो, तो जो ईटा भट्टा वाला आदमी है अगर आपने उसका ईटा बिकवा दिया तो जाहिर सी बात है वो देखेगा, अरे इसके वजह से मेरा ईटा बिक गया, तो वो आपको कुछ ना कुछ मदद करेगा। आपने उसकी मदद की, बदले में वो आपकी मदद करेगा। तो कुछ ऐसे करके भी शुरुआत की जा सकती है बिजनेस का। मैंने एक उदाहरण दिया, जरूरी नहीं ये करना है, आपको समझना होगा। जैसे एक सब्जी उगाने वाला किसान है और एक सब्जी बेचने वाला व्यापारी है, तो सब्जी उगाने वाला किसान भी चाहता है कि उसकी सब्जी अच्छे दामों में बिक जाए, सड़े नहीं खराब ना हो। और एक व्यापारी जो बेचने वाला, वो भी चाहता है कि मुझे अच्छे दाम में सब्जी मिले और फ्रेश सब्जी मिले जिसको मैं बाजार में बेचूं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकूं। अब इन दोनों को अगर आप आपस में जोड़ दिए, यानी अगर हम लोग गांव देहात में आप रहते हैं तो आप इस तरह का काम को पकड़ सकते हैं कि कैसे एक सब्जी उगाने वाले किसान को एक सब्जी बेचने वाला व्यापारी के साथ कनेक्ट किया जाए, या आप इससे माल लिए और इसको बेच दिए, लाओ भाई तेरा सब्जी, लो भाई तेरा सब्जी, लाओ लो लाओ लो। ये आप कर सकते हैं बिना कोई पैसा लगाए। आपको ये सब्जी दे देगा, बदले में आप इसको बेचोगे, ये जो पैसा देगा आप दे देगा। इसमें ईमानदारी जरूरी है, पहला चीज। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो ये काम आप सक्सेसफुली कर सकते हैं दोस्तों। तो जोहार भाइयों, मैं मिथुन सर वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को। सबसे पहला आज का बात मैं बता दूं कि आप कैसे गरीब से अमीर बन सकते हैं, लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा शेयर कर रहा हूं, आप लोग अंत तक बने रहे। इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, स्टीफन टुडू, इलियास मांडी, धनी मांडी, राजू सोरेन, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, यूट्यूब क्रिएटर जो वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिक गाने आपको दे जाते हैं, वो तो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, हमारे संथाली इंडस्ट्री को आगे तक ले जा रहे हैं। लेकिन इससे हमारा संथाली इंडस्ट्री का जो आम परिवार है, जो एक मजदूर है, जो एक किसान है, वो तो आगे नहीं जाएगा ना, क्या वो आगे जाएगा? मैंने जब इस चीज को पूरा गौर किया मुझे समझ में आया, लेकिन वो आगे कैसे जा सकता। मैंने जो आज आपको शेयर किया है कुछ ऐसे तरीकों से अपना करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आप अपने पैरों पे खुद ही खड़ा हो और दूसरे के भरोसे में ना रख के आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। शिक्षा का मामला में बेहतर बने या ना बने, आप इस तरह से कैसे दो पोल को कनेक्ट करके आप खुद पैसा कमा सकते हैं, कैसे एक विक्रेता को क्रेता के साथ जोड़ा जा सकता है, ऐसा बहुत चीज आइडिया आपको आसपास में दिख जाएगा। आपके घर अगल बगल में ही कुछ दिखेगा जो आप एक दूसरे को दे करके आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारा काम है ऐसा, लाखों काम है। बाकी मैं आपके साथ हूं, आपके कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, कुछ भी ऐसा आपको लगता है, डाउट होता है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपका मदद करूंगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे संथाली इंडस्ट्री का हर एक परिवार, हर एक गरीब परिवार, हर एक गरीब किसान, हर एक इंसान
हर एक हमारे भाई बंधु लाखों रुपए कमाए और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और अपनी जरूरत को कम से कम पूरा करने के लायक हो जाए, नॉर्मल निर्भर ना करे। धीरे धीरे उनका डेवलप होगा तभी हमारी संथाली इंडस्ट्री का विकास हो सकेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कुछ का तो विकास हो सके, फिर आगे हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा प्रयास दोस्तों। तो इस वीडियो को अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि किसी ना किसी का विकास तो जरूर हो इस वीडियो के माध्यम से। मेरी इतनी ही आशा आपसे, बाकी आपकी इच्छा दोस्तों। तो वीडियो को शेयर करके किसी ना किसी का विकास करने का, और इस आइडिया को आप शेयर भी करिए अधिक से अधिक, क्योंकि सबका साथ करना है। जब आप दूसरे के भलाई करने पर उतर जाएंगे ना तो आपका भला अपने आप होगा मेरे भाई। मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं, मैंने अनुभव किया, जब हम लोग किसी और का भला करते हैं तो दिल से बहुत अच्छा लगता है और इससे हमारी भलाई खुद होती है, वो करने वाला होता है गॉड, भगवान ईश्वर जिसने हमें बनाया, हमें आपको प्राकृतिक देवता जिसने हमें आपको बनाया, वो हमारी मदद करती है। ठीक है दोस्तों, तो जोहार भाइयों, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।